ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि शनि को प्रसन्न कर सकते हैं वो भी आप बिना पूजा पाठ के। देखिए शनि तो न्याय के देवता हैं, यानी दंडाधिकारी माने जाते हैं। शनि भक्ति जीवन में अच्छे कार्यों और सोच को अपनाने का सबक देती है। सत्कर्म और अच्छे विचार ही धर्म पालन के लिए अहम है, इसलिए शास्त्रों में शनि की प्रसन्नता के लिए धार्मिक कर्मकांड के अलावा बोल व्यवहार और कर्म से जुड़ी ऐसी बातें भी कारगर बताई गई है जिनको शनिदेव की बिना पूजा पाठ के व्यवहारिक जीवन में अपनाना आसान है। यहाँ तक कि नास्तिक यानी ईश्वर भक्ति से दूर रहने वाले इंसान पर भी इन बातों के कारण शनि कृपा कर सफल और सौभाग्यशाली बना देते हैं। तो क्या क्या वो बातें हैं जो आपको फॉलो करना है वो हम आपको बताते हैं। सही सुनुता, शनि का स्वरूप विकराल है, वहीं शनि को कसैले या कड़वे पदार्थ जैसे सरसों का तेल आदि भी प्रिय माना गया है। किंतु इसके पीछे भी सूत्र यही है कि कटुता चाहे वो वचन या व्यवहार की हो उससे दूर रहें, दूसरों के ऐसे ही बोल और बर्ताव की द्वेषता में न बदलें यानी सहनशील बने। क्रोध का त्याग करें, शनि का स्वभाव क्रूर माना गया है किंतु बुराइयों को दंडित करने के लिए इसलिए शनि कृपा पाने और कोप से बचने के लिए क्रोध जैसे विकार को दूर रखना ही उचित माना गया है। उसके बाद है दान। शनि भक्ति में दान का महत्व बताया गया है। दान उदार बनकर घमंड को भी दूर रखता है, इसलिए यथाशक्ति शनि से जुड़ी सामग्रियों या किसी भी रूप में दान धर्म का पालन करें। अहंकार और विकारों से मुक्त होकर इंसान से शनि प्रसन्न होते हैं। उसके बाद है परोपकार। परोपकार धर्म का अहम अंग है। दूसरों पर दया, खास तौर पर गरीब कमजोर को अन्न धन या वस्त्र दान या शारीरिक रोग और पीड़ा को दूर करने में सहायता शनि की अपार कृपा देने वाला होता है। फिर सेवा भाव। मान्यता है कि शनि देव जरावस्था या बुढ़ापे के स्वामी हैं, इसलिए हमेशा माता पिता या बड़ों का सम्मान और सेवा करने वाले पर शनि की अपार कृपा होती है। इसके विपरीत वृद्ध माता पिता या बुजुर्गों को दुखी या उपेक्षित करने वाला शनि के कोप से बहुत पीड़ा पाता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट कीजिए। धन्यवाद।